The topic of today's discussion is introduction to philosophy of science. Philosophy पर पिछली वीडियोज़ में काफ़ी बात हो चुकी है और वो मज़ीद भी होती रहेगी कि फिलोसफी ज़रा एक बड़ा दायरा बना के और टोटैलिटी में जा के और कुछ ट्रांसेंड करके बाज़ुकात एक डिटैचमेंट के तहत किसी भी फिनोमिनन को देखती है और उसमें जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है उस पर उसको हद दर्जा एक दिलचस्पी होती है और वो समझती है कि ये उसका काम है। साइंस के बारे में जो ट्रेडिशनल नज़रियात थे वो बहुत बदले गए कार्ल आर पॉपर के आने के बाद। कार्ल आर पॉपर एक ऑस्ट्रियन जर्मन थे और बॉर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1994, तो लंबी उम्र पाई। और ये वो नस्ल थी कि जिसने पहली जंग अजीम भी देखी और दूसरी भी देखी। बहुत एक्टिव ईयर्स पर आप ख़ुद ही देख लीजिए कि 60s 70s उनके होंगे, बहरहाल वो ज़िंदा थे 1994। तो इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ साइंस में कार्ल आर पॉपर को तो बहुत डिटेल से फिर किसी वीडियो में देख लेंगे। अब ये देखें कि रवायती नज़रियात साइंस के मुतालिक क्या रहे, ये सबको मालूम होने चाहिए। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो माफ़ी नहीं है, दूसरे लोगों को भी ये प्राइमरी में मिडिल मैट्रिक में बताते हैं। तो हमारा ज़्यादातर ये रहा रवायती तसव्वुरात साइंस के बारे में कि साइंस तजर्बे और मुशाहदे से आगाज़ करती है। यहाँ तजर्बे से मुराद सेंशुअस एक्सपीरियंस है, रिलेटिंग टू सेंस परसेप्शन, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से आगाज़ करती है और एक टेंटेटिव सा एक कुलिया सा बना लेती है। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन से इट बिकम्स ए लॉ। कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये सारी बात ही गलत है। तो अब वो क्या कहते हैं वो इस मुख्तसर दुरानिये में देख लें। सबसे पहले तो कार्ल पॉपर ने कहा कि नो नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, नो न्यू नॉलेज स्पेशली अबाउट द वर्ल्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड सस्टेन्ड और डेवलप्ड फ्रॉम मियर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सिर्फ मुशाहदे तजर्बे, महज मुशाहदे तजर्बे से कोई नॉलेज बरामद नहीं होता, ना साइंस का ना कुछ। नंबर टू, इन ऑर्डर टू गेन अ न्यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ कंजक्चर इन द फॉर्म्स ऑफ अजम्पशन, हाइपोथेसिस, बोल्ड गेस एट्सेट्रा। यानी कोई मफरूज़ा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा तो फिर वो तजर्बे मुशाहदे का भी कोई फ़ायदा है। नंबर तीन, अब यहाँ तजर्बा मुशाहदा उसको वेरीफाई करने के लिए नहीं होगा, उस अजम्पशन को फालसीफाई करने के लिए होगा। तो उसने कहा कि द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन इज़ लाइक द रोल ऑफ ए नेगेटिव आर्गूमेंट। जैसे आप लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग में वैलिडिटी चेक नहीं कर रहे होते तो क्रिटिसाइज़ करके देख रहे होते ना, तो वो फालसीफाई करेगी एक स्टेटमेंट। इसके बाद तो तख्लीकी बातों का जनाब पॉपर ने फिर आगे देखें, नंबर 4, 5, 6 आप खुद समझ लें। और अगर आज इतना हो जाए तो फिर तफसील से कार्ल पॉपर को बाद में देखें। उसने कहा कि नो साइंटिफिक स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड अ साइंटिफिक स्टेटमेंट इफ नॉट फालसीफाइबल इन नेचर। जिस साइंसी बयान को झुटलाया ना जा सके वो साइंसी नहीं है। और गलतफहमी से बचने के लिए फिर आगे कहा कि रिमेंबर फालसीफाइबिलिटी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ साइंटिफिक स्टेटमेंट, नॉट अ वीकनेस ऑफ इट। तो सबसे पहली बात तो यह है कि महज तजर्बे मुशाहदे से कुछ बरामद नहीं होना। इन ऑर्डर टू हैव ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स, सो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रख के देखें। फिर मुशाहदा तजर्बा उसको झुटलाएगा, और पॉपर की टर्म में कहूँ पुरखलूस तरीके से झुटलाएगा इन उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए। एंड फालसीफाइबिलिटी ऑफ ए साइंटिफिक स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ इट, नॉट अ वीकनेस ऑफ इट। आगे चल के वो क्या क्रिएटिव बात की कि अगर कोई स्टेटमेंट फालसीफाइबल ही नहीं है तो फिर साइंटिफिक नहीं है, वो सूडो साइंटिस्ट। तो फिर अगले
अगले पॉइंट पे जाके मैं उसको आसानी के लिए उसको मैंने एक तरतीब बना दी। अगले पॉइंट पे फिर उन्होंने एक्चुअली कार्ल पॉपर मेड अ ग्रेट डिस्टिंक्शन एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द वर्ल्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड सूडो साइंस। तो उसके ख्याल से साइंस वो है जो फालसीफाइबल है, सूडो साइंस है जो नहीं है। मिसाल ले लेते हैं, पहले वो मिसाल लेता हूँ जो पॉपर ने खुद दी है, फिर मैं उन्हें खुद भी कई मिसालें बना के बताऊँ। उसने कहा कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में देखें तो एस्ट्रोनॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये पता ही होगा, जैसे पता होना चाहिए वैसे। फिज़िक्स की बहुत सारी शक्लें, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, हाई एनर्जी फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स और थ्योरेटिकल फिज़िक्स, वो पहले भी बात हुई। तो एक स्पेस साइंस भी है, तो स्पेस साइंस इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो एस्ट्रोनॉमी तो उसके, और ये फालसीफाइबल है। एक एस्ट्रोलॉजी भी होती है, वो कहता है ये सूडो साइंस है, ये फालसीफाइबल तो हो नहीं सकती, तो आप उसको वेरीफाई करते रहे, इसको चाहे संजीदा बात समझ के सुन ले, चाहे मजाक समझ के सुन ले, मगर वो बात मैं इसमें संजीदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी की किताब उठाई है और आप कह रहे हैं कि टॉरस, हाँ मैं टॉरस, तो इसमें जितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं वो कहेंगे ये मेरी। अब थोड़े से अगले सफ़े पे ना उसकी बुरी बुरी बातें भी वो हैं, तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि वो मेरा मोहल्लेदार भी तो टॉरस है, तो आपको किसने रोकना है? यानी आप सारी अच्छाई खुद किसी ने अगर इससे कोई किसी को परेशानी हो तो होनी चाहिए। मैं फिर भी बताऊं, मेरे एक दानिश्वर दोस्त का बयान है कि ये जो मुसलमानों का तो हाल ये है कि अपने ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कहेंगे हाँ जी हाँ, नेक लोगों से मुसीबत आंदी है, मोहल्लेदार पे आ जाए तो कहते सजा मिल रही है। तो कितना आसान है, देखिए इसी तरह एस्ट्रोलॉजी हुई। अच्छा, फिर पॉपर यहाँ तक रुका नहीं, उसने कहा कि सिगमंड फ्रॉयड, जो इस वक्त पर भी मैं कह दुनिया का मशहूर तरीन, आला तरीन तो मैं नहीं कह सकता, मशहूर तरीन फलसफी वही है, क्योंकि उसने फिर अदब पर भी बात की, आर्ट पर भी बात की, रिलीजन पर बात की, जो भी। तो उसने कहा कि ये जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है सिगमंड फ्रॉयड का, ये भी जाली साइंस है। कार्ल मार्क्स का जो फलसफा है ये भी जाली साइंस है। एडलर और योंग के जो फलसफे हैं ये भी जाली साइंस है। ये अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं और ये साइंटिफिक नहीं है, स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव और साइंटिफिक तो एक तो नहीं होगा। तो इसलिए पॉपर के बाद अब हम हर डिसिप्लिन के आगे साइंस की दूम एकदम से नहीं लगा देते। मसलन मुझे अच्छी तरह पता है कि एक ज़माने में मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ प्राइवेट, वहाँ मैं वो जो आईटी में गया कि कंप्यूटर साइंसेज में इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, तो मैंने कहा जाते मैंने कह दिया कि कंप्यूटर साइंस इज़ नो साइंस, तो वो बच्चे परेशान हो गए। तो अगली दफ़ा वो अपने उसको ले आए डायरेक्टर को, तो मैंने कहा हाँ ये कोई साइंस नहीं है, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है ना उसको तो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, और ये क्रिएटिव प्रोसेस है जो और तरह से बात करता है। और ये देखना चाहिए कि कोई चीज़ साइंस है तो फिर वो किन क्राइटेरियन पर है। पॉपर का ये ख्याल है कि वो फालसीफाइबल है तो साइंस, नहीं है तो अच्छा। ये नहीं है कि अब जो जिसको सूडो साइंस कह दिया उसको रद्द किया, मगर एक डिफरेंस पैदा किया, और वो डिफरेंस जो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। अच्छा, मगर इससे कुछ और चीज़ें भी, इस फिलॉसफी, इस अजीम फिलॉसफी ऑफ साइंस से कुछ और चीज़ें भी बरामद होती हैं, जो मैं कहता हूँ कि मैं जल्दी से इसी 10-15 मिनट में बता दूँ। आपका रिएक्शन देख के फिर हम फर्दर भी इस पे बात करेंगे। इससे ये भी तो बरामद हो रहा है कि साइंस का इल्म एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, और किसी हद तक यूनिवर्सल हो सकता है मगर परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और एक थ्योरी जब तक रद्द नहीं हो जाती, फालसीफाइबल नहीं हो, उस वक्त तक ही मानिए, हर वक्त के लिए उसको कोई रिलीजियस स्टडीज़ या दूसरी चीज़ों के साथ कंफ्यूज ना करें, उसमें हमेशगी ना ढूंढिए। इसलिए पॉपर की ये बातें भी हमेशा याद रखने वाली है कि एक इल्म की कोई भी शक्ल है, ख़ासतौर पर साइंस, तो आप उसको अंधा ईमान उस पर लाने की बजाय उसको झुठलाने की कोशिश कीजिए, मगर पुरखलूस तरीके से झुठलाने की कोशिश कीजिए।
और उतनी देर तक ही मानिए जब तक वो झुटलाई ना जा सके, मगर वो झुटलाई जाने के काबिल होनी चाहिए, यानी फाल्सिफाइएबल होनी चाहिए और छोड़ देनी चाहिए इफ फाल्सिफाइड। अंग्रेजी में ज़रा आसानी रहती है उर्दू की नस्बत, तो बहर हम कोशिश करते हैं कि मिलके आपको बताएं। तो अकॉर्डिंग टू खाल पॉपर, एनी साइंटिफिक स्टेटमेंट शुड बी फाल्सिफाइएबल एंड दिस शुड बी रिगार्डेड एज ए स्ट्रेंथ ऑफ इट एंड नॉट अ वीकनेस ऑफ इट, एंड यू कैन लीव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ साइंस और वट एवर इफ फाल्सिफाइड। फाल्सिफाइबल और फाल्सिफाइड में फ़र्क करें, और उसकी जो थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो तो साथ साथ समझ आ ही रही है। उसका ख्याल है कि ये वेरीफिकेशन का प्रोसेस एंडलेस है और वो कभी मुकम्मल नहीं होगा, जबकि फाल्सिफिकेशन में है कि एक भी मिसाल मिल गई जो उससे बिल्कुल बरक्स हो। इसको हम एक मिसाल से करके फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। मतलब एक बहुत मामूली से, अगर मामूली नहीं कहना चाहिए, एक डे टू डे लाइफ की एक ऑब्जर्वेशन है कि तमाम कव्वे काले हैं। अब आप इसको इसी को आप वेरीफाई करने निकल आएँ तो आप कभी नहीं कर सकते। आप 20 साल के हैं तो मैं कहूँगा कि 20 साल ही किन्ने कहाँ देख लेने। अच्छा, फिर ये मैं कहूँगा कि आप तो सिर्फ लाहौर से कभी निकले ही नहीं, तो आपने आपकी वो यानी कुछ ज्योग्राफी तहदीद कर रही है, कुछ आपका अपनी एज कुछ। हाँ, दूसरी तरफ देखें कि अगर एक कव्वा भी कहीं किसी जगह पे नज़र आ गया है कि जो कव्वा ही है मगर काला नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट को फालसीफाई करके हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, और अगर ये इनकरेक्ट है तो हमेशा के लिए उसे जान छुड़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।